इल्म क्या लाता है? ताकत और कुदरत। अल्लाह का जो प्लान है वो ये है कि जब इल्म आ जाएगा, इल्म आहिस्ता आहिस्ता जब आ जाएगा, तो अल्लाह ने कुरान में जगह इरशाद फरमाया, लअग़लबन्ना, मैं गालिब आऊंगा। किस माना में? अल्लाह तो गालिब है फिजिकली नहीं, अल्लाह का दीन गालिब आएगा। अल्लाह का दीन गालिब आना है। अल्लाह के दीन ने जब गालिब आना है तो या अल्लाह किसके मुंतजर हो? परवरदिगार किसका इंतजार है? नहीं, अल्लाह फरमा रहा है कि इस गलबे से क्या मुराद है कि जब तरक्की करते करते एक ऐसा मरहला आ जाए, इल्म के साथ कुदरत जब जमा हो जाए, तो वो जो मालूम भी है, मौजूद भी है, लेकिन गायब है। अब पांचवें मरहले में हम चले गए, इल्म, आलम, मालूम, मौजूद लेकिन गायब। अब अल्लाह भी गायब है और एक और भी गायब है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इन दोनों गायब में क्या फर्क है? उस गायब ने तो जाहिर नहीं होना, इस गायब ने जाहिर होना है। उस गायब ने जाहिर नहीं होना, इसलिए फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कौन? अल्लज़ीन युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। इसका मतलब है जो गायब पर ईमान लाते, वो गायब जिसमें जाहिर होना है, तो वो गायब उस वक्त जाहिर होगा जब इंसान को समझ में आ जाए कि इल्म के साथ कुदरत आती है। अल्लाह ने एक ऐसे आलम को छुपा रखा है कि जब आएगा तो यह इल्म उसके मुकाबले में आके ऐलान करेगा, कल मेरे दादा ने ऐलान किया था, आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, पूछ लो जो पूछना है। नारे तकबीर, क्यों? वो कौन है? सबबुल मुत्तसिल बैनल अर्द वस्समा, वो कनेक्टिविटी है जमीन और आसमान के दरमियान। जो कनेक्शन है जमीन और आसमान के दरमियान, इसका मतलब है बस जैसे ही इल्म आएगा तो परवरदिगार जब इल्म देता है तो यहां इंसान में और परवरदिगार के दिए हुए इल्म में फर्क है। इंसान नॉलेज एक्वायर करता है विद एक्सपीरियंस, विद स्टडी, इल्म से, तजुर्बे से इंसान को यह कुदरत हासिल हुई। तो पहला मरहला है इंसान थियोरेटिकल मरहले में जाता है, और बाद का दिया भी होता है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में फर्क है। हर आलम जो के इल्म रखता है वो कुदरत नहीं रखता, परवरदिगार जब इल्म देता है तो कुदरत भी देता है। वो हस्ती जो जमीन और आसमान के दरमियान इत्तेसाल और कनेक्शन है, इसका मतलब है चाहे तो इस कायनात में जो चाहे कर सकता है, चाहे इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, टुकड़े भी हो जाए, जुड़ भी जाए। महदी वो है जिसने 1,24,000 अंबिया को एक जगह पर जाहिर करना है। सारा